अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। डबवाली रोड स्थित महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा में लड़की की मौत के बाद परिजनों पुलिस से जल्द कार्रवाई करने को लेकर अस्पताल गेट के बाहर धरना लगा के पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ज्योति तीसरी मंजिल से गिर गई और उसकी मौत हो गई, जबकि उसके परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर उसे खुदकुशी या हादसे का रूप देने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि पिछले कुछ समय से यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों द्वारा उनकी बेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। मेरा नाम जी गुरसेव सिंह है, मैं लड़की का जीजू लगना है। बल्कि मेरा कहने का भाव है जी, जेड़े दो बंदे है जिन्होंने फोन करके सद्या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक सुभाष बांसल है, एक विवेक गोयल है, जिन्होंने फोन करके लड़की को सद्या, दफ्तर सद्या, ड्यूटी से सद्या, उन्होंने अभी पुलिस को आख्या भी कार्रवाई करो। उन्होंने तो नाम ले नहीं रहे हो, वो होर बंदे का जहर कर रहे हैं, वह सानू कोई नहीं। जिन्होंने फोन करके सद्या उन्होंने मेन कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने तो पुछगिछ करनी चाहिए है जी। सोनू की लगता भी उन्होंने ना क्यों नहीं लैदी कोशिश, उन्होंने पूछो जी, इन्हों मन ही नहीं दे प्रशासन पैसा खाता जी इन्होंने। जो असं ना दे रहे हैं जी, असं एफ आई दर्ज के ना उन्हों का लिखा रहे हैं, यही रौला जी असं लिखा रहे हैं, ये उन्होंने ना नहीं लै रही जी। हम असं पोस्टमार्टम लड़की का करवाना सी, वो असं करा नहीं रहे जी। ये कहते भी आओ तुम इतने पोस्टमार्टम कराओ, धक्के करा रहे साढ़े तो सा, हालांकि साढ़े तो दबाव पा रहे, साढ़े तो कह रहे भी केस सोडे कर देंगे, लड़की साड़ी मरी आ, साढ़े ती केस उन्होंने कोई नहीं जी। कल दे कल दो दिन हो गए जी, हैरान होंगे असं जाते नहीं जी, लाश लैके नहीं जाना असं, असं इतने आके धरना देवे चौंक के दे, जिन्ना चर उन्होंने कार्रवाई नहीं होंगी, जिन्ना चर को अरैसट नहीं होंगे, असं उन्ना चर कोई कार्रवाई नहीं करनी, कोई संस्कार नहीं करना, कोई पोस्टमार्टम नहीं करना जी। कैमरामैन खान के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।